पाकुड़ में बीते दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से तोड़ाई और फरक्का नदी का पानी गांव में घुस गया है, जिसके बाद लोग परेशान हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम प्रभावित गांव पहुंचे। उन्होंने प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत कार्यों के बारे में पूछा और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही जल जमाव से हो रही परेशानी, पानी की निकासी की समस्या को बताया। वहीं किसानों ने फसलों के नुकसान के एवज में सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग की। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर स्वास्थ्य जांच, दवा का वितरण किए जाने के बारे में भी लोगों को बताया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि फसलों की हुई क्षति का आकलन कृषि विभाग कर रहा है। घुसना नहीं, जहाँ पर खड़े पर हम बात कर रहे हैं, या अमीन खड्डा जो हमारे द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, टेंडर भी हो रहा है, बहुत नीचा है, अब ऊंचा हो जाएगा। अब अगर उन्हें जो बाधित होता था वो भी बंद हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमने कहा भी अपना इस चीज़ में कि किसानों का जो है उसके लिए बड़े विडम्बना है। जो किसान अपने सारे पैसा लगा देते हैं और उसको रिटर्न मिलता है अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में, वो उसको नहीं मिल पाएगा। उसका सर्वेक्षण हम लोग 15 दिन के अंदर करा कर फिर हम लोग विभाग को आपदा में भेज देंगे, उन लोग को मुआवजा देने के काम करेंगे।